संस्थानीय अध्यक्ष मोतिया जी, समस्त गुरुजन एवं सहपाठी गण, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंचल जागीर कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के सामने मेरा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराग है साहब, जो ये दीवारों का सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र देश में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी, जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग से बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, जब वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि पूरे जिस्म की गोटियाँ ही चली गई, पूरे जिस्म की गोटियाँ ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी बराए साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। ये हालात हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने कर लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। उस समय पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत पूरी लगन पूरी ईमानदारी से करे ना, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप और फेसबुक की स्थिति को क्लीन रखने रखना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर आप साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लें तो क्या ये देशभक्ति है? तो मैं पूछना चाहूँगी, ट्रैफिक की छाव में फुटपाथ पर नंगे पाँव जब बच्चा तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे अपनी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी भूख की शक्ति है। क्योंकि न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वे भोजन की दीवारों को जानते हैं, वे भोजन की दीवारों को जानते हैं। हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लिए संपूर्ण भाव है शक्ति, क्योंकि हर एक क्षेत्र ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इसमें, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आज के इस दौर में युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने देश की आशाओं को बांधे रखने की। वही युवा चार मीटर स्पोर्ट का काम मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को आगे ले जाने की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होकर दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहाँ जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिदा हमारा। जय हिंद, जय भारत।